नमस्कार दोस्तों। दोस्तों टाइगर जंगल के सबसे खतरनाक और जानलेवा जानवरों में से एक हैं, जिसके पंजे और नुकीले दांत किसी के भी चीथड़े कर सकते हैं। साथ ही इनकी रफ्तार के सामने जल्दी कोई जानवर टिक नहीं पाता। पर दोस्तों इतना खतरनाक होने के बावजूद भी जंगल में कुछ ऐसे जानवर हैं जो टाइगर को बुरी तरह से हरा सकते हैं और घायल कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको उन जानवरों के बारे में जानना हो जो एक टाइगर को हरा सकते हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर से बने रहिएगा। नंबर 5, बफेलो। दोस्तों जहां जंगल में कुछ जानवर हमेशा दूसरे जानवरों को डरा कर रखते हैं और हर वक्त आतंक मचाए रहते हैं, वहीं जंगल में कुछ ऐसे भी जानवर हैं जो शांत स्वभाव के होते हैं और अपना पूरा दिन हरे मैदान में घास खाते हुए गुजारते हैं, और भैंस उसी में से एक है। दरअसल दोस्तों अगर लड़ाई एक जंगली बाघ और एक पालतू भैंस में हो, तब तो बाघ की जीत पक्की है। पर अगर बाघ का सामना एक जंगली भैंसे से हो जाए, तो फिर तो उस बाघ की खटिया खड़ी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों जंगली भैंस का सबसे खतरनाक हथियार उनका सींग होता है, जिससे वो बाघ पर ऐसा हमला करते हैं कि बाघ को अपनी एक आंख से हाथ धोना पड़ जाता है। साथ ही अगर किसी तरह बाघ भैंस को जान से मारने में कामयाब हो भी जाता है, तो भी मरने से पहले भैंस बाघ की ऐसी धुलाई कर चुका रहता है कि वो जिंदगी भर किसी दूसरे भैंस या जंगली जानवर से लड़ने के काबिल नहीं रह पाता। नंबर 4, एलिफेंट्स। जी हाँ दोस्तों, हाथी जो दिखने में तो काफी बड़े होते हैं, पर काफी शांत स्वभाव के भी होते हैं। इसलिए आप सोच रहे होंगे कि आखिर फिर एक तेज तर्रार बाघ एक हाथी से क्यों हारेगा। दरअसल दोस्तों वैसे तो बाघ हाथी को हरा सकता है, पर अगर गलती से भी बाघ ने हाथी के बच्चे पर हमला कर दिया, फिर तो बाघ को हाथी से कोई नहीं बचा सकता। पहले तो दोस्तों एक गुस्सैल मादा हाथी बाघ पर अपने दांत से हमला करती है, जिसका फोर्स इतना अधिक होता है जो बाघ की हड्डियों को तोड़ सकता है। और अगर उससे भी काम नहीं बनता, तो मादा हाथी अपने पैर से बाघ को ऐसा मारती है कि बाघ की हड्डियों का कचूमर हो जाता है, और उसी वक्त बाघ की जान चली जाती है। नंबर 3, ग्रिजली बियर। दोस्तों जब आप एक ग्रिजली बियर और बाघ को लड़ते हुए देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा मानो किसी चैनल ने कुश्ती का प्रमोशन करने के लिए दुनिया के दो सबसे बेहतरीन कुश्तीबाजों को रिंग में उतार दिया हो। दोस्तों जहां एक बाघ का वजन लगभग 305 किलोग्राम और लंबाई 7 फीट 4 इंच होती है, वहीं ग्रिजली बियर का वजन लगभग 340 किलोग्राम और लंबाई 7 फीट 8 इंच होती है। और यही वजह है दोस्तों कि सबसे नुकीले पंजे, दांत और रफ्तार होने के बावजूद भी बाघ ग्रिजली बियर से बुरी तरह हार जाता है, और शरीर भारी भरकम होने की वजह से ग्रिजली बियर बाघ को धूल चटा देता है। नंबर 2, इंडियन राइनोसोरस। दोस्तों जंगल का वो जानवर जिससे एक समझदार बाघ कभी उलझने की गलती नहीं करता, वो है गैंडा। दोस्तों गैंडे की चमड़ी इतनी मोटी और मजबूत होती है कि एक बाघ के लिए उसे चीर पाना बेहद ही मुश्किल होता है। साथ ही गैंडे का सबसे बड़ा हथियार उनका सींग होता है, जो उनकी नाक के ऊपर निकला होता है, और इसी से डर कर बाघ जल्दी किसी गैंडे पर हमला करने की नहीं सोचते। और यही वजह है दोस्तों कि बाघ कभी भी एक एडल्ट गैंडे पर नहीं, बल्कि गैंडे के छोटे बच्चे पर हमला बोलते हैं, और वो भी तब जब उनकी माँ उनके आसपास मौजूद नहीं होती, क्योंकि वो ये जानते हैं कि अगर कहीं बच्चों की माँ ने उन्हें देख लिया, तो वो दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन बन जाएगा। नंबर 1, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। दोस्तों जहां जमीन पर बाघ का आतंक चलता है, वहीं पानी में सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल का आतंक चलता है। और जब इन दोनों खतरनाक जानवरों की एक दूसरे से लड़ाई होती है, तो वो नजारा देखने लायक होता है। दोस्तों इस जंग की खासियत ये है कि इसमें प्रकृति डिसाइड करती है कि विजेता कौन होगा, क्योंकि जब लड़ाई जमीन पर होती है, तो जीत टाइगर के हिस्से में चली जाती है, क्योंकि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के मुकाबले अधिक रफ्तार
रफ्तार और लचीलापन होने के कारण टाइगर सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पर पीछे से हमला करने में कामयाब हो जाता है और क्रोकोडाइल को मार डालता है। पर दोस्तों, जब इन दोनों का सामना पानी के पास होता है तो मगरमच्छ बाघ को पानी में खींचने में कामयाब हो जाता है और जीत मगरमच्छ की होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।